मुरादाबाद में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा चौकी से लेकर थाना और जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक कर सभी से सहयोग की अपील की जा रही है। साथ ही क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी चर्चा हो रही है। मुरादाबाद जनपद की सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक के द्वारा क्षेत्र में एक संदेश दिया जा रहा है, पुलिस और जनता के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनाया जा रहा है और सब मिलकर जनपद की शांति व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मझौला थाना प्रभारी ने जयंतीपुर चौकी में पैगामे शांति समिति कमेटी के मेंबर्स के साथ बैठक की। मुरादाबाद के जयंतीपुर चौकी में मझौला थाना प्रभारी ने पैगामे शांति समिति के पदाधिकारियों से बैठक की, साथ ही कहा कि आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाए। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए सामाजिक तत्वों पर भी निगरानी रखी जाए, साथ ही शांति समिति से अपील की गई है। आज जयंतीपुर चौकी में क्या मीटिंग थी? आज आने वाले त्योहारों को जैसे कि दशहरा, उसको लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे क्षेत्र के एसओ साहब ने मीटिंग ली थी और उसमें हमें भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर ध्यान रखें, कोई असामाजिक तत्व इधर उधर से ना आए। तो क्या अपील करना चाहते हैं इस मौके पर आप सभी लोगों से? देखिए, मैं अपील करना चाहता हूँ सभी से कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें और अगर अपने क्षेत्र के अंदर किसी अनजान व्यक्ति को घूमते फिरते टहलते देखें तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस विभाग को दें और किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ना आने दें। विशेष तौर पर ध्यान रखें क्योंकि एक ऐसा त्यौहार है, ये मैं समझता हूँ जो रावण का त्यौहार है दशहरे का, वो हिंदू और मुसलमान का नहीं बल्कि एक ऐसा त्यौहार है कि जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। और सभी धर्मों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस अच्छाई को जीत को बनाए रखें। यति नरसिंहानंद द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर विवादित टिप्पणी की गई है, देश भर में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और राष्ट्रद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर कोई चीज़ गलत उन्होंने कही है तो उसके लिए हमारे कानून है, बाबा साहब का लिखा हुआ कानून के अंदर हर चीज़ की एक धारा है। अगर कानूनी दायरे में रहकर अगर उनके ऊपर कोई धारा बनती है तो उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी।